अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद पीडीपी खुशी की लहर। जिला कठुआ के अध्यक्ष सरदार जगदीप सिंह जेडी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। जगदीप सिंह ने कहा कि पीडीपी धारा 370 व 35 ए की बहाली के लिए लड़ेगी जंग। कठुआ से शाहिद की रिपोर्ट। पीडीपी हेडक्वार्टर पे एक बहुत ही जश्न का माहौल चल रहा है। हमारे जिला के अध्यक्ष पीडीपी जिला के अध्यक्ष सरदार जगदीप सिंह जगदा की अध्यक्षता में यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ जो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली सरकार ने नज़रबंद रखी थी, उनको रिहा किया गया। सारी दुनिया जानती है कि मैडम महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अपने पीरियड में जम्मू कश्मीर की जनता की खुशहाली, विकास और लोगों को हर सुविधा देने के लिए भी जान से काम किया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी का एजेंडा है कि 370 और स्टेटहुड और 35A को वापस लाने के लिए हम पुरजोर फाइट करेंगे, आंदोलन करेंगे और लोगों को घर घर जाकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है इनकी गलत नीतियों से अवगत करवाएंगे। आज सेंटर से हिंदुस्तान को छोड़िए, जम्मू कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, हर आदमी परेशान है। लखनपुर से लेके आज लखनपुर आना हो तो 10-10 घंटे एक एक दिन के लिए वहाँ टेस्ट के लिए रुकना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि मैडम जी जल्दी ही हमारे वर्करों के साथ मीटिंग करेंगे और जन आंदोलन को छेड़ेंगे। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत ही खुशी का मुकाम है कि जो पिछले कल हमारी पार्टी प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती जी, जो के 14 महीने के बाद जिनको के गलत तरीके के साथ डिटेन किया हुआ था, कल उनको रिलीज किया गया। हम पीडीपी कठुआ जुंड की तरफ से मैडम महबूबा मुफ्ती जी को उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और तमाम जो हमारी पीडीपी जुंड है उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और जम्मू कश्मीर की आम आवाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि ये जो कल 13 अक्टूबर का दिन है ये एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती जी के ये आने के बाद ये जो जम्मू कश्मीर की सियासत है ये एक नया रंग लाएगी। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो एक ही पार्टी अपनी मनमर्जी कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो अब बाहर आ चुकी हैं और ये जम्मू कश्मीर के लिए जो कि हमेशा ही फाइट करती आई हैं और आइंदा भी करती रहेंगी। हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, जब मुफ्ती साहब ने ये पीडीपी का एक पौधा लगाया था तब और अब में बिल्कुल सिचुएशन वही की वही आके खड़ी हो गई है। तब भी मिलिटेंसी लास्ट चरण में थी और आए दिन कोई ना कोई नई घटना सुनने को मिलती थी और सीमा पार से आतंकवाद इतना बढ़ चुका था कि उसने कहीं ना कहीं कश्मीर के युवाओं को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। तब मसीहा बनके मुफ्ती मोहम्मद सईद उभरे और वो गोल्डन पीरियड है, जो वो 2002 का वो 3 साल का एक गोल्डन पीरियड रहा जिसमें तीनों खित्तों की तरक्की हुई, मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी वहीं आके उसी तादाद पर आके जम्मू कश्मीर खड़ा हो गया है कि यहाँ पे कोई सुध लेने वाला नहीं है, पब्लिक दर दर हो रही है, किसान रोड पे आ गए हैं, मजदूर रोड पे आ गए हैं, यहाँ के नौजवान रोड पे आ गए हैं, जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन लेने के लिए रोड पर आना पड़ गया है, डेली वेजर रोड पे घूम रहे हैं। और आपने देखा पिछले दिनों लॉकडाउन में जहाँ मजदूरों की, जहाँ गरीबों की, जहाँ आम आदमी की हालत क्या हुई है, जहाँ पे कोई सुध लेने वाला नहीं था, कहीं ना कहीं ये अगर कोई हुकूमत होती तो अपने नुमाइंदे होते, अपने लीडर होते, अपने MLA होते तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जाके लोगों की सुध लेते। लेकिन ये पिछले जो दिनों में ये इतना जो कतलो गैरत रहा, इतना जो मंद से ही बंदा हाल रहा है, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं वो एक ही पार्टी जिम्मेवार है। लेकिन अब हम लोगों को कहना चाहते हैं
कि आप हमारा साथ दीजिए। मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो शुरू से ही अपनी पार्टी के लिए और अपने लोगों के लिए, वो कश्मीरियत के लिए, जम्मू के जवानों के लिए, जम्मू के डोगराज के लिए जो फाइट करती रही हैं और आगे भी करेंगी, और जो हमारा स्टेटहुड जो एक गलत तरीके के साथ हमारा जो 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ किया गया और हमारी डोगरों की और कश्मीरियों की आइडेंटिटी खत्म कर दी गई, कहीं ना कहीं उसको वापस लाने में ये हम पुरजोरे की मांग करेंगे। और हमें आम आवाम का साथ चाहिए। आपने कुछ दिनों में देख लिया है, जिन्होंने अच्छे दिन दिखाए थे ना अच्छे दिन हैं और ना अच्छे लोग हैं, आपने खुद ही देख लिया है वो अच्छे दिन ना आएंगे ना कभी थे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, इन लोगों ने लोगों को घर से बेघर करने की बात की है, इन सरकारों ने आम आवाम का, जो आम लोगों का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त कर दिया है। इन लोगों ने जमीन होते हुए उनको बेदखल कर दिया है, जहां मजारे भी रो रहे हैं, जहां किसान भी रो रहे हैं, जहां मजदूर भी रो रहे हैं, रेड़ी फड़ी वालों को जहां रेड़ी लगाने के लिए जगह तक नहीं है। और सरकारों का काम होता है कि आम जनता के साथ खड़े होकर उनकी उनको स्टैंड करना, ना कि जो स्टैंड है उनको मिटा देना। ये एक ग्रीन बताओ जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया है, हम इसके खिलाफ हैं। और हम ये कह देना चाहते हैं कि कल का जो एक सुनहरा मौका, जो एक सुनहरा दिन है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक जो पार्टी की इतनी देर के बाद जो एक प्रेसिडेंट रिलीज होके आई और उसने ऐसा आगाज किया कि जम्मू कश्मीर को नक्शा चेंज करके रख दिया। महबूबा की रिहाई पर जहां जम्मू कश्मीर को आज पूरे गर्व है, वहीं पार्टी में भी खुशी की लहर देखने को मिली। और कठुआ के लोग मैडम के बाहर आने से इतने खुश हैं कि जैसे उनको कोई नई चीज़ मिल गई हो। मैं सेंटर के सरकार से एक बात करना चाहता हूं आपके ज़रिए कि सेंटर की सरकार ने ज़बरदस्ती हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती जी को अंदर गलत तरीके से डिटेन किया और गलत तरीका इतना अपनाया कि उनको 14 महीने के लिए उनको घर के अंदर डिटेन किया गया। और कल शाम 8-9 बजे जब जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर बनकर मैडम की रिहाई की खबर आई तो समस्त भारत के लोग भी हमें फ़ोन करने लगे। ये नहीं कि मैडम एक जम्मू कश्मीर की पसंदीदा हैं, चीफ मिनिस्टर थी, जब पूरे भारत में मैडम को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक जम्मू कश्मीर की पहली लेडी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती उभर कर लोगों के सामने आई। उन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लोगों के घर बसाए, जबकि विपरीत में केंद्र सरकार को जब ये मौका मिला 370 तोड़ने का गलत तरीके से, इन्होंने लोगों के घर उजाड़े। लगभग जितनी ज़मीनें थी, ये अपना सेंटर एक नारा देता है कि कश्मीरियत लोगों को जो वहाँ से कश्मीर के अपना घर छोड़ के चले गए, उन्हें घर पूर्ण निवास करवाने के लिए उनको घर दिए जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ आता कि सेंटर की ये कैसी राजनीति है। एक तरफ आप घर लोगों का बसाना चाहते हो और दूसरा में गुज्जर बुकरवाल भाई, जिन लोगों को गवर्नमेंट ने, मैडम ने, अपना पिछली सरकारों ने रहने के लिए जगह दी थी, उन लोगों से आपने छतें उखाड़ ली। डिस्ट्रिक्ट कठुआ से लेकर जम्मू कश्मीर तक ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। टोल प्लाजाज, जिसको मंदिर का शहर किया जाता था, उसको आज लोग मजाक के साथ टोल प्लाजा का शहर कहने लगे हैं। ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ मैं अपनी पीडीपी पार्टी को आज जो खुशी की लहर आज हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, वो दिन हमें हमेशा याद रखेंगे। और मैडम महबूबा मुफ्ती जो हमारी पीडीपी प्रेजिडेंट हैं, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये भगवान से कामना करते हैं कि ऊपर वाले का हाथ हमेशा उनके सिर पे रहा और आगे भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।